So a very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well. In our yesterday's class, we have started the topic multinational company from chapter number 3. We have discussed that multinational company is a company which operates in more than one nation. More than one nation means more than one country. So any such company which operates in more than one country is known as multinational company. We have discussed its features. We have discussed that this type of company is large in size and it can operate in many nations, and it is having qualified professional experts. It brings many innovative products to the nations, etc. Today we have to read whether we should allow MNC to come in our country or not. So have a look. In India, there are more than 40,000 MNCs working. 40,000 se bhi zyada MNCs hai hamare India mein. ठीक है, हमें तो नाम भी नहीं पता होंगे इतनी एमएनसीज के, तो इतनी सारी एमएनसीज और उनके ऑफिसर्स हमारे यहाँ पे काम करते हैं। अभी देखते हैं एमएनसी को बुलाते टाइम किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो नंबर वन, एमएनसी शुड बी अलाउड टू एंटर इन हाईटेक इंडस्ट्रीज ओनली, फॉर एग्जाम्पल टेली कम्युनिकेशन, पेट्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं एमएनसी ऐसे एरियाज में ही अलाउ कीजिए जहाँ आपकी कंट्री कि कंपनीज जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती, या फिर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जैसे हाईटेक इंडस्ट्रीज है, वहां आप एमएनसी को लेके आओगे तो आपकी कंट्री में एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, तो वहां आप एमएनसी को अलाउ कीजिए ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट, एमएनसी मस्ट ब्रिंग डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट सो दैट देयर इज इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है आपके क्लास 12th का। ये क्या होता है, ये एक रिकॉर्ड होता है हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी का, जो इनफ्लो और आउटफ्लो है उसका रिकॉर्ड है ये। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए मल्टीनेशनल कंपनी तभी उसको अलाउ कीजिए, अदरवाइज उसको अलाउ मत कीजिए। अगर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएगी, यानी वो हमारे देश में फॉरेन करेंसी लाएगी, और फॉरेन करेंसी लाएगी तो डेफिनेटली हमारी कंट्री को बहुत ही फायदा होगा। तो फॉरेन करेंसी लाने वाली एमएनसी को आप अलाउ कीजिए। नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ लुक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमएनसी शुड नॉट बी अलाउड टू किल स्मॉल डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, बट दे मस्ट ऑफर हेल्दी कॉम्पिटिशन टू डोमेस्टिक फर्म्स। जब भी आप मल्टीनेशनल कंपनी को अपनी कंट्री में आने की परमिशन दे रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि एमएनसी की वजह से आपकी देश की छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है, जो छोटी छोटी डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस है, वो बंद हो जाए। आपको ये इंश्योर करना है कि एमएनसी अगर आए तो वो उन एंटरप्राइजेस के लिए हेल्दी कंपटीशन लेके आए, ना कि उनको अननेसेसरी किल करे। ठीक है, तो आपको ये थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है। तीन पॉइंट बेसिकली जो इंडिया जैसी कंट्री को ध्यान में रखने चाहिए बिफोर अलाउइंग एनी एमएनसी टू एंटर। नंबर वन, MNCs should be allowed in high-tech industries only. Number two, MNC must bring some foreign direct investment. And number three, MNC should not be allowed to kill the domestic industry. Domestic यानी हमारे देश की जो छोटी छोटी enterprises है। चलिए भाई आगे देखते हैं, एक केस स्टडी दी हुई है। Sony Limited is a leader in electronics. Sony Limited की बात कर रहे हैं। It is registered in a company and has its business operation in many countries of the world. Its headquarters is in Japan. Yani home country to iski Japan hai, but uske alawa bhi ye bahut sari jagah pe business karti hai. Aage dekhiye, to manage its branches and subsidiaries in different countries, the company employs trained and professional managers. They always make use of latest technology to remain leader in electronics. Identify, name the type of enterprise mentioned. Type of enterprise, कैसी enterprise है? तो जो अलग अलग many countries में work करती है वो कैसी enterprise होती है? Multinational enterprise. Headquarter कहाँ located है? Japan में, question में ही answer दिया हुआ है। Two benefits बता दीजिए Sony के जो ऊपर वाले paragraph में discuss हुए हैं। एक तो ये professional लोगों को employ करती है, तो efficient management। Number two, latest technology. हो जाएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट देखिए, जॉइंट वेंचर, ये समझिए क्या होता है। जॉइंट वेंचर अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस, इसको समझते हैं जरा ध्यान से।
एकदम आसान सा बिजनेस है, सबसे इजी फॉर्म ऑफ बिजनेस। जब मोर देन वन कंपनी आपस में ज्वाइन करती है, दो या दो से ज्यादा फर्म्स आपस में मिलजुल के पार्टनरशिप सेटअप करती है तो उसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। जैसे आपने चैप्टर टू में पढ़ा था ना पार्टनरशिप, व्हेन टू और मोर पीपल ज्वाइन टुगेदर टू कंटिन्यू अ बिजनेस, वैसे यहाँ पे टू और मोर पीपल नहीं, यहाँ टू और मोर इंडिविजुअल बिजनेसेस, दो या दो से ज्यादा कंपनीज हैं, वो आपस में साथ में ज्वाइन हो गई, ज्वाइन होके उन्होंने कॉमन एंटरप्राइज सेटअप कर ली, तो ये बन जाएगा जॉइंट वेंचर। मारुति सुजुकी देखा होगा आपने, सुजुकी और मारुति मिल गए तो मारुति सुजुकी बन गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू और मोर फर्म्स जॉइन टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज देन इट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। सिंपल सी डेफिनेशन है। नाउ आगे देखिए क्या लिख के दिया हुआ है आपको, द टू फर्म्स कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। दोनों ही पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी और दोनों ही फर्म मैनेजमेंट करेगी। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से जॉइंट वेंचर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स। दो फर्म्स के बीच में क्या है, पार्टनरशिप है, दो फर्म्स मिलके काम कर रही है। आगे देखिए, फर्म ऑफ सेम कंट्री एज वेल एज फर्म्स ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर। यानी इंडिया की भी दो फर्म्स आपस में ज्वाइन हो सकती है, इंडिया और अमेरिका की फर्म भी आपस में ज्वाइन हो सकती है, किसी भी कंट्रीज की दो फर्म्स आपस में ज्वाइन होकर जॉइंट वेंचर को सेटअप कर सकती है। एग्जांपल गिवन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जॉइंट हैंड विद आईकॉल गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, टू प्रमोट आईपीआई टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड। उसके अलावा बता रहे टू फॉर्म आईपीआई टाटा, ये यहां तक है। फिर स्पंज आयरन टाटा लिमिटेड जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने यमहा मोटर के साथ में ज्वाइन अप किया और बिरला यामा लिमिटेड फॉर्म कर लिया। मारुति कंपनी जो है वो सुजुकी कंपनी के साथ ज्वाइन हुई और उन्होंने मिलके मारुति सुजुकी बना दिया है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो सिंपल से पॉइंट्स है। नंबर वन, इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। जब दो लोग मिल जाएंगे तो रिसोर्स भी तो ज्यादा होंगे, ह्यूमन रिसोर्स भी ज्यादा, फाइनेंशियल रिसोर्स भी ज्यादा, जिसकी वजह से वो इजिली ग्रो और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन बहुत इजी हो जाएगा कब, जब कोई जॉइंट वेंचर में बिजनेस एस्टैब्लिश होगा। नंबर टू, एसेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये कह रहे हैं जब आप जॉइंट वेंचर के साथ काम करते हो तो आपका मार्केट ऑपरेशन बढ़ जाता है। जैसे जब जापान की सुजुकी कंपनी इंडिया की मारुति कंपनी के साथ जुड़ी तो उनको इंडियन मार्केट भी तो मिल गया जो मारुति कंपनी के पास था। तो ये यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि जब हम इंडियन मार्केट को कैप्चर करना चाहती है कोई फॉरेन कंपनी तो वो इंडियन कंपनी के साथ मर्जर कर सकती है, जिसे हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, व्हेन अ बिजनेस एंटर इनटू जॉइंट वेंचर इट कैन एसेस न्यू मार्केट्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन फॉरेन कंपनीज फॉर्म जॉइंट वेंचर इन इंडिया दे गेट एसेस टू वास्ट इंडियन मार्केट्स। उनको इंडियन मार्केट की भी पहुंच मिल गई। दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ रिटेल आउटलेट्स इन डिफरेंट लोकैलिटीज। इंडिया की लोकैलिटीज, इंडिया के लोकल मार्केट्स जिनको वो पहले नहीं जानते थे, अब वो उन मार्केट में भी डीलिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया के साथ जुड़ गए हैं तो उनको आइडिया हो गया कि इंडियन मार्केट कैसा है। आगे देखिए, एसेस टू टेक्नोलॉजी। आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। दो जने मिले हैं तो दोनों की पावर्स भी तो मिलेगी, दो हाथ मिलेंगे तो क्या होगा, ज्यादा बेटर तरीके से काम होगा। यहाँ इंडिया का बेनिफिट बता रखा है कि इंडियन कंपनी क्या कर सकती है, किसी फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज होके फॉरेन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट यहाँ पे ले सकती है। हमारी कंपनी, इंडिया की कोई कंपनी क्या कर सकती है, किसी बढ़िया फॉरेन कंपनी के साथ अपना वेंचर एस्टैब्लिश करके एडवांस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठा सकती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, युगांश बेटा विल यू प्लीज रीड दिस पॉइंट फॉर मी, सेकेंड थर्ड वन। Access to new market and distribution networks. When a business enters into joint venture, it can access new markets. For example, when foreign companies from joint venture in India, they got access to vast Indian market. They can also take advantage of retail outlets in different local markets. Beta, next one also, the third one. Access to technology.
Advanced techniques of the production leads to the superior quality of products and reduced cost of production. It saves a lot of time, energy and investment because they do not have to develop their own technology. For example, by joining hands with a company or developed nation, Indian companies can get benefits of advanced technology. The third one is for us. अगर हम डेवलपिंग नेशन है, हम डेवलप्ड नेशन के किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉइन हैंड्स करेंगे तो उसकी वजह से हमें क्या होगा, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा. नेक्स्ट वन इज इनोवेशन. क्वाइट सिंपल, जब हम किसी और के साथ जुड़ेंगे तो हमारे नए नए आइडियाज, हम फॉरेन पार्टनर के साथ जुड़ के नए बिजनेस आइडियाज को इन्वेंट कर सकते हैं और इनोवेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जब इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया के साथ मर्ज होती है, इंडियन कंपनी के साथ मर्ज होती है, तो उनको लो कॉस्ट का बेनिफिट भी मिलता है. इंडिया में चीप लेबर अवेलेबल है, सबसे ज्यादा चीप लेबर इंडिया में अवेलेबल है. तो वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जो कम सैलरी में काम कर देते हैं, उनकी सर्विसेज लेके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. तो जॉइंट वेंचर का एक एग्जाम्पल, एक बेनिफिट ये भी है कि आपको कॉस्ट रिडक्शन बेनिफिट मिलता है, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. एंड लास्ट वन, एस्टाब्लिश ब्रांड नेम. एक नया बढ़िया ब्रांड नेम जो है वो मार्केट में डेवलप हो सकता है. दो फर्म्स जब जुड़ गई तो एक को दूसरे की गुडविल का फायदा मिलेगा. अगर इंडिया में मारुति बहुत ज्यादा फेमस है तो सुजुकी उसके साथ जुड़ के उसकी गुडविल को भी शेयर करेगी. तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एक फर्म जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टाब्लिश है, अगर उसके साथ कोई दूसरी फर्म जुड़ती है तो उसको उस एस्टाब्लिश फर्म के मार्केट का और उसकी गुडविल का फायदा मिलता है. तो आपका इन्वेस्टमेंट बच जाता है. आपको ऑलरेडी अगर रेडी मार्केट मिलता है तो आपको मार्केट में लोगों को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया. फिर एग्जांपल दिया हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा और रेनॉल्ट का. ये आपस में जुड़े थे, जॉइंट वेंचर हुआ था. इसको आप खुद रीड करेंगे. जॉइंट वेंचर इसका आंसर है. आपको बताना है उसके फीचर्स, तो फीचर्स आप आराम से बता सकते हैं. बस हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रिमेनिंग है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ हमारा. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है सुनिए. जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके कोई बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का अगर आपस में कोई डीलिंग हो जाती है और उनकी पार्टनरशिप हो जाती है, इस पार्टनरशिप को हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. देखिए क्या लिखा हुआ है. हु विल रीड गजल बेटा, आप रीड कर दीजिए इसको, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब्स अ गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट बिजनेस वेंचर व्हिच इज फंडेड एंड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड वन और मोर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज. दीज स्कीम्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज P3, PPP और P3. फॉर एग्जाम्पल, अ हॉस्पिटल बिल्डिंग फाइनेंस एंड कंस्ट्रक्टेड बाय अ private developer and then leased to hospital authority, the private company acts as the landlord and provides housekeeping services and other non-medical services, whereas hospital services are provided by the hospital authority government. Yes, very good. Have a look. What is public-private partnership? Any simple form of business in which government and private sector jointly operate any business organization. This is also known as P3 organization. P3, teen P aa rahe hai, public, private and partnership, right? Example bataya hua hai, suppose a private entrepreneur establishes a wonderful hospital building. It constructs a building and then the building is leased over to hospital authority of government. Now what private sector do is, private sector just act as a landlord and it provides the other non-medical services. And for medical services, it has given the contract to government that government doctors will be appointed in the hospital and the functioning will be maintained by government doctors only. So, ये हो गया example public-private partnership का. ऐसा government तब करती है जब उसको private sector की advanced services की requirement होती है, जहाँ government को लगता है कि private sector की expertise knowledge चाहिए, private sector का expert view चाहिए, वहाँ पे government की contract sign करती है. Features again very simple. Number one, ये contract है private sector और public party का, right? Public sector भी है, private individual भी है, दोनों ने मिलके contract sign किया. Financial, technical और operating risk जो है वो सभी मिलके jointly bear करेंगे. आगे cost of using service. This one is important.
यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो सर्विस का जो यूजर है वही उस पर एक्सपेंस करेगा, टैक्स पेयर अलग से कुछ भी एक्सपेंसेस बियर नहीं कर रहा है, जिसने सर्विस को यूज किया वही उस सर्विस पे एक्सपेंस करेगा। और कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो गवर्नमेंट उठा लेती है, यानी कुछ एक्सपेंसेस गवर्नमेंट कवर अप करेगी और कुछ एक्सपेंसेस वो इंडिविजुअल जो इस सर्विस का बेनिफिट ले रहा है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस यहाँ पे कवर नहीं करेगा, वो तो अपने प्रॉफिट मोटिव को प्रायोरिटी पे रख के काम करता रहेगा। जो सर्विस टेकर है वो कॉस्ट बियर करेगा या फिर गवर्नमेंट कॉस्ट बियर करेगी, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। नंबर थ्री, प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। ऐसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डेवलप करने के लिए गुड्स बना रही है उन्हें गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है। गवर्नमेंट क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करता है कि आप आइए और हमारी इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कीजिए, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देंगे, टैक्स हॉलीडेज देंगे, गारंटीड एनुअल रिटर्न भी देंगे। टैक्स हॉलीडे यानी 3 साल तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, आप अपना बिजनेस हमारे साथ शुरू कीजिए। गवर्नमेंट ने ऑफर दिया प्राइवेट सेक्टर को कि यू जस्ट कम टू अस, जॉइन हैंड्स विद मी, आई विल ऑफर यू अ टैक्स हॉलीडे फॉर अपकमिंग 3 ईयर्स। यानी आप अगर नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करेंगे तो टैक्स देना है, बट गवर्नमेंट के साथ आके वही बिजनेस करेंगे तो आपको गवर्नमेंट 3 साल के लिए टैक्स का ब्रेक दे देगी, गवर्नमेंट आपको कुछ एडिशनल सब्सिडी दे देगी। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट करती है ताकि प्राइवेट सेक्टर एनकरेज हो गवर्नमेंट के साथ आके वर्क करने के लिए। नंबर फोर्थ, प्रिटेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट इसमें लोगों की वेलफेयर के लिए जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ऐसा करती है। दिल्ली मेट्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। आप अगर चेक करें क्वालिटी वाइज बहुत ही शानदार है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशन दोनों मिलके कर रहे हैं, राइट? पब्लिक वेलफेयर से जुड़ा हुआ है तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके काम करता है। आगे देखिए, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। कौन शेयर करेगा? डेफिनेटली जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों काम कर रहे हैं तो रेवेन्यू भी दोनों जने मिलकर शेयर करेंगे। तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है उसका रेवेन्यू पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दैट मींस गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों मिलकर शेयर कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है इसके अंदर, ये देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की प्रॉब्लम आती है 12th। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की प्रॉब्लम ये आती है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है वो हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट कभी भी अर्निंग के लिए काम नहीं करती। इनकम का सारा लॉस और इनकम का सारा रिस्क जो है वो गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर उस लॉस में कोई भी रोल प्ले नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर तो कहता है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि हमें तो हाई इनकम चाहिए, हमारा मेन मोटिव है अर्निंग प्रॉफिट, हम अपने प्रॉफिट वाले मोटिव को साइड नहीं कर सकते। अब हमारे इस प्रॉफिट मोटिव के साथ अगर आपका काम हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो हमें तो अपनी इनकम देते रहिए। तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम लिखी हुई है, ये प्रॉब्लम अलग से 1 मार्क में आती है। द मेन प्रॉब्लम विद पीपीपी प्रोजेक्ट इज दैट प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑब्टेन अ रेट ऑफ रिटर्न दैट वाज हायर देन गवर्नमेंट बॉन्ड रेट, इवन दो मोस्ट ऑफ द इनकम रिस्क इज बॉर्न बाय पब्लिक सेक्टर। कि प्राइवेट सेक्टर जो रिटर्न ऑब्टेन करता है वो रिटर्न थोड़ा सा हायर होता है, गवर्नमेंट के साथ जो बॉन्ड हुआ है उससे भी हायर, और सारी रिस्क कौन बियर करता है? गवर्नमेंट बियर करती है। अब यहाँ पे बता रखा है कि गवर्नमेंट कुछ प्रॉब्लम्स को, ये देखो रीड कर लेते हैं। टू ओवरकम द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय पब्लिक इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द मेट्रो प्रोजेक्ट इन विच द गवर्नमेंट इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन लिया ताकि प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी का फायदा मिले। द प्रोजेक्ट वाज ग्रेट सक्सेस एज लैक्स ऑफ पीपल आर एंजॉयिंग द मेट्रो सर्विस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको बोल रहे हैं कौन सी एंटरप्राइज है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। अब आपको नाम देना है दिल्ली मेट्रो का, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मेट्रो सर्विसेज दिल्ली में जो दे रहे हैं उस का नाम क्या है, तो DMRC आपको लिखना है, ठीक है, आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद में आपको थर्ड पॉइंट में पूछ रहे हैं कि कोई भी दो फीचर्स बता दीजिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के,
तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अभी हमने फीचर्स पढ़े, ये कॉन्ट्रैक्ट है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच का, यहाँ पे हाईटेक प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। साथ में आप डीएमआरसी की फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कंपनीज एक्ट के अंडर में ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड सेटअप हुआ। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, हो सकता है मैं आपको इस पे प्रोजेक्ट वर्क भी दूं, आप में से किसी एक स्टूडेंट को इस पे प्रोजेक्ट वर्क भी मिल सकता है। अब देखिए, इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के कंपैरेटिवली थर्ड चैप्टर काफी छोटा सा था, लिमिटेड कंटेंट है इसमें। ये जो लास्ट के तीन फॉर्म है ना, इनमें से किसी एक फॉर्म में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लास्ट के जो तीन फॉर्म्स है कौन कौन सा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, उसके बाद में जॉइंट वेंचर और उसके बाद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप ये मान के चलिए अगर चैप्टर थर्ड आपके सिलेबस में से है तो आपको ये तीनों 5-5 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने हैं। इन तीनों में से कोई एक फॉर्म ऑफ बिजनेस 5 मार्क्स में जरूर आता है। 5 मार्क्स में आपको वो बिजनेस आइडेंटिफाई करना होता है किसी केस स्टडी में से और उसके साथ में उसके फीचर्स बताने होते हैं। तो एमएनसी, जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट हो गया। और एक पार्ट हो गया चैप्टर का जिसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बताया गया है। तो एक आसान चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। Anyone, any doubts, any problems? So if no one is having any doubt, then we can end our class today over here only. We have completed this chapter. Your task will be to prepare the notes of the chapter and send me your PDF. The content of next chapter will be uploaded to the Google Drive. आपको वहीं से लेना है। कल मैंने एक PPT ग्रुप में फॉरवर्ड की थी, आप उसको भी देख सकते हो। नोट्स बनाने के लिए आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। Is it okay to everyone? All right then. See you in the next class. Enjoy yourself. Enjoy your day.